guys, welcome to my channel. Please subscribe and press the bell icon. Hey guys, I'm Sanya. Hope you are having great week. Today's video is about drawing in the mountains. Like, it's my first time ki main life scenery draw kar rahi hoon. So I hope you will enjoy this video, and there's a little vlog also, so don't forget to watch till the end. I decided to take black pen along with me as it was first time traveling with art supplies, so zyada saman carry nahi kiya. This is Camp Peach Valley, a very pleasant, beautiful and full of greenery place. Most important thing to mujhe pasand aayi, it's so peaceful, bahut shanti hai. Ek tarah ke na ye hidden place hi lagta hai ki pehle kabhi na suna tha na explore kiya tha, but ऐसी बहुत सारी जगहें हैं हिमाचल प्रदेश में अभी जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही सुंदर है और देखने वाली हैं. द वेदर हेयर इज़ सो गुड. यहाँ पे मे बी 20s के अराउंड ही रहता होगा टेम्परेचर, एंड इट इज़ सो लवली कि यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है दिन में भी. मेरे साथ तो एक तरह का सोने पे सोंगा ही हो गया था. लाइक कैसे एक तरह की ड्राइंग करते वक्त हवा भी चल रही है, साथ में बर्ड चॉपिंग भी हो रही है और स्लो म्यूज़िक भी चल रहा है. सो इट वॉज रियली रियली गुड एक्सपीरियंस. ये जो मैं बना रही हूँ ऐसे लगता है ना जैसे वेल होता है, कुआं होता है एक तरह का, ऐसे मुझे भी लगता था जब मैं दूर से देखा था, पर अगर पास में जाओ तो ये बंद ही पड़ा है. ये कैंप के बॉनफायर के काम आता है. हमारा 2 नाइट स्टे था, तो इन दोनों रातों में हमने बॉनफायर किया था. रात को तो इतनी ठंड हो जाती है जैसे काफ़ी बर्फ़ वाली जगह में आए हूँ. ऑलमोस्ट 14 डिग्री तक के आसपास होता है टेम्परेचर रात को. उस टाइम पे तो बॉन फायर हमारा सहारा बन गई थी, क्योंकि उस टाइम इतनी ठंड थी वहाँ पे, पर बॉन फायर ने हमारा सहारा दिया. सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड आवर ड्राइंग. हैव अ लुक. अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है. अलविदा कहने का मन नहीं है, पर एक तरह की खुशी भी है कि बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जा रहे हैं साथ में. दिस इज़ माय मॉर्निंग टी. कैंप पीच वैली में सिर्फ यही 2 एनिमल्स रहते हैं, एक कैट और एक डॉग. डॉग का नाम रखा हुआ है जोजो. हेयर इज़ द स्नीक पीक ऑफ माई रूम. कैंप से बाहर निकलने का रास्ता भी एक ही है लगता, यही ब्रिज, जो कि बहुत डेयरिंग लगता है. इतना हिलता है ना कि फट जाती है. और एक तो जोजो भी साथ में आने की पड़ रही है. फाइनली पार कर लिया. बहुत ही मुश्किल वाला काम था ये वाला. जो जो भी हमें सी ऑफ करने आ रहा है. अच्छा लगा. अब तो ऐसे लग रहा है जैसे माता की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं, इतनी स्टीप है ना. अब हम बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं घर की ओर. ज़्यादा मैं शूट ही कर पाई आते हुए, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी. एज यू नो पहाड़ों में क्या हालत हो जाती है कईयों की, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. So bye guys, see you next time.